हामी जनकपुर धाम तिरहुतिया गाछी स्थित जनकपुर महोत्सव को मेला शिविरमा छौ। स्टल लागिरहेको छ आजदेखि पाँच दिनसम्म। नेपाल, भारत, बांग्लादेश र पाकिस्तानका व्यापारी प्रतिष्ठानका व्यक्तिहरू समेत जनकपुर आउनु भएको छ र यो मेला समग्र जनकपुरमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र व्यवस्थित मेलाको रूपमा लिन सकिन्छ र नेपाल भारत मात्र होइन बांग्ला र पाकिस्तानका विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू समेत रहेको हुनाले सारा सामग्री हर घराइसीमा प्रयोग हुने सामग्रीदेखि लिएर लेदर त्यसपछि किचनवेयर सबै सामग्री उपलब्ध छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उद्घाटन गर्नुभएको यो मेला अब आजदेखि पाँच दिनसम्म चल्नेछ। हामी अब तपाईँले सिधै स्टलतर्फ लग्छौँ। यहाँ भएका स्टलहरू कस्तो छन् र कस्तो खाले सामग्रीहरू पाउँछन् त्यो तपाईँहरूलाई हामी अब सिधा भिजिट गराउनेछौँ। बांग्लादेश यहाँलाई जानकारी गरौँ, यो पाकिस्तान र बांग्लादेशका व्यापारिक प्रतिष्ठानका मान्छेहरू लेदर हामीलोग हिन्दीमै बात गर्छौँ। कैसा लग रहा आपको, पहले बार आया जनकपुर क्या? पहले बार आया, बहुत अच्छा लग रहा, सही है। यहाँ का आदमी भी सही है, वेल भी सही है, सब सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन, घर घर बांग्लादेश, मीरपुर ढाका। इधर हमारे पाकिस्तान से है ना आप? पाकिस्तान से। क्या नाम हुआ आपका? शहजाद अहमद नाम है। शहजाद अहमद, क्या सब इसमें सामग्री सब आप रखे? हमारा लेदर आइटम है, लेदर जैकेट, सिर्फ लेदर जैकेट। कौन सी लेदर है, कैसा लेदर में? शीप लेदर। शीप लेदर। प्राइस कितने कितने का प्राइस का जैकेट है? 7,000, 8,000, 5,000, 3,000 सब मिलाकर। जनकपुर हम पहली बार आए हैं। नेपाल में तो आप पहले भी आए? 10 साल हो गए। जनकपुर में पहले बार ही बात है। कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? गरम जरा बेसी, गरम लग रहा है, गरम, बाकी सब गरम जरा बेसी। नमस्कार सर, नमस्कार। कहाँ से हैं? बांग्लादेश में रहा है। बांग्लादेश से हैं, क्या सब सामान है? मैं सामान के बांग्लादेश में जाते से सामान। नेपाली बोल रहा हूँ, जनकपुर में पहले बार आए? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, कैसा लग रहा है? वो तो कल आ रहा है, आज तो इतना टाइम इधर बिजी है और घूम रहे, देखे तो ऐसे जनकपुर अच्छा वाला है, टेम्पल है उधर, मेला खत्म उधर से। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो यो तपाईँहरू हेरिराख्नु भएको छ बङ्गलादेशको प्रोडक्ट। यो हाम्रो घरका आमा बहिनीहरू लाउने साडीदेखि लिएर कुर्ता सलवारका कपडाहरू, त्यसपछि विभिन्न किसिमका कपडाहरू पाइरहेछन्। अब उहाँसँग हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। जनकपुर महोत्सव 2076 आजैदेखि सुरु भएको छ। आजदेखि पाँच दिनसम्म यो मेला लाग्नेछ र आज पहिलो दिन भएको हुनाले स्टलहरू अझ पनि व्यवस्थित हुन बाँकी छ, तर
भीड़भाड़ बिस्तारै बढिरहेको अवस्था छ. साँझको समय मलाई लाग्छ फुल प्याक जान्छ होला. र अर्को महत्त्वपूर्ण पेपर गार्मेन्ट्स, किचन वेयर, बालबालिकाहरूको सामान, लत्ता कपडा र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पाकिस्तान र बङ्गलादेशका लगभग प्रतिष्ठित संस्थाका व्यापारिक प्रतिष्ठानका व्यापारीहरू र सबैको उपस्थिति छ. आयोजनकर्ताले ठुलै एउटा हिम्मत भनौँ, जनकपुरमा पहिलो पटक यस प्रकारको बजार महोत्सव, जनकपुर महोत्सवको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई बोलाएर गर्न लागेकोमा हामी प्रसन्न छौँ र हाम्रो पनि दायित्व छ कुनै न कुनै रूपमा यो महोत्सव सफल होस् भन्ने. हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ यहाँ लेदरका पर्सहरू, लेदरका ज्याकेटहरू सबै छ र अल मदिना पाकिस्तान हामी पाकिस्तानका यो कन्सर्ट छ. कहाँ से आप पाकिस्तान से? नमस्कार, क्या नाम? ये कुक पाकिस्तान से. कैसा आप जनकपुर में पहली बार आए? कैसा फील हो रहा है? स्टिल इट्स नॉट लुकिंग गुड बिकॉज आई डू नॉट थिंक सो अदर इज फ्रेंडली एंड प्रोडक्ट कंडीशन बट वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी गॉड ब्लेस अस. थैंक यू. के राख्नुभयो? वाटर फिल्टर. वाटर फिल्टर यो कहाँको कम्पनी हो, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? हामीहरू जनकपुर भानुचोकबाट आएको छ र यो सबै इन्डियन कम्पनी छ. अनि धेरै राम्रो लागिरहेको छ. जनकपुर जस्तो बजार मेला पहिला लागेको छ? अनि हामीहरूलाई थाहा थिएन, आज फर्स्ट टाइम आएको. रमाइलो भयो. के छ यहाँ? कति सब्जी राख्ने हो? यी इन्डियन कम्पनीको सामान सब यी एहन तरहक मेला जनकपुरमे यसो पहिले कि जनकपुर लागत नै तर हमरा आइडिया न है सर. हम बिरगंज के छी. बिरगंज में तो ऐसा मेला हम सब बहुत देख ली. जनकपुर फर्स्ट टाइम हम देखे छी. फील हो रहा है जुलाई इसी संभावना अब सांस तक पता आपके लगे काम है. लोग तक निकलते नहीं, लोग करते नहीं, लेकिन हमारा जहाँ तक लगे यहाँ सबके एडवर्टीजमेंट में बहुत कमी कमजोर है. यहाँ सब जैसे प्रचार होबो के चाहिए से देखो से एकदम. तो आयोजकके ई बातके विचार करऽ पड़ते छै. आयोजन करै छथिन तऽ कोन रूपमे प्रचार प्रसार होबक चाहिँ? वास्तवमा प्रचार प्रसारमा कतै त्रुटि छ कि भन्ने उहाँको बुझाइ आयोजकले मलाई लाग्छ यस विषयमा गम्भीरता साथ पुनः पाँच दिनको मेलामा आज पहिलो दिन भएको हुनाले मलाई लाग्छ यस विषयमा उहाँहरू विचार गर्नुहुन्छ र नयाँ स्ट्राटेजी तहत अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो हामीले आशा राख्न सक्छौँ. तपाईँहरू यहाँ फेसनका सामान, लत्ता कपडा मात्रै होइन, यहाँहरूलाई हामीले देखाउन चाहन्छौँ यस मेलामा अटोका सामानहरू पनि छन्. तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा, हेर्नुहोस् यहाँ रनरको मोटरसाइकल, थरी थरीका विभिन्न किसिमका रनरका विभिन्न मोडलका मोटरसाइकलहरू पनि यहाँ स्टलमा राखिएको छ. यस मेलामा आजदेखि सुरु भएको हो, भर्खर एक दुई घन्टा पहिले यो मेलाको शुभारम्भ गरियो, त्यसैले गर्दा पनि होला अरू स्टलहरू लाग्न बाँकी नै छन्. तपाईँहरूलाई अझै अपडेटमा हाल्नुहुन्छ भने यतिखेर हामीले तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ. यहाँ हेर्नुहोस् ई सेवाको काउन्टर, ई सेवाको पनि काउन्टर रहेछ यहाँ. ई सेवाले अहिलेको समयमा हरेक व्यक्तिलाई
सजिलो गरेछन् हरेक थोकको लागि इन्टरनेट पे बिजुली बत्तीदेखि लिएर मोबाइल रिचार्ज गर्न समेत पनि सजिलो गरेछन् यो स्टल पनि राखिएको छ यहाँ त यहाँहरूलाई देखाउन जान्छु सफा गर्ने सामग्रीहरू पनि राखेका छन् घरहरू सफा गर्ने सामग्री पनि राखेका छन् ठीक है काटने बनाने को लागि राम्रो आइटम अरे नहीं बोलना होता यार इंडिया से आए दिल्ली से क्या सब है आपके पास इस स्टॉल में सर काटने के लिए आइटम है साफ सफाई करने के लिए आइटम है चिपकाने के लिए आइटम है कुछ टूट फूट जाता है चिपका लो ये साफ सफाई करने के लिए आइटम है सारे के सारे शीशा साफ करना है खाने का टेबल साफ करना है किचन साफ करना है गाड़ी का शीशा गाड़ी का बाइक कोई भी चीज साफ करनी है आपको ये काटने के लिए आइटम है फिंगर चिप्स वगैरह बनाने हैं आपको आलू को देखो ऐसे करके रखना है इसके अंदर और ऐसे करके सिंपल दबा देना है ये आलू कट के तैयार बढ़िया लाजवाब इस चीज का क्या इसमें देखो चिप्स बनाने के लिए बढ़िया आइटम है ऐसे करके आलू को लेना है इसको लगाएंगे ये आलू को चिप्स बनाने को लागे राम्रो आइटम ऐसे करके ये आलू को चिप्स आलू का पतला पतला चिप्स बनाने को लागी आलू को चिप्स बनाने को लागी प्याज काटने को लागी टमाटर काटने को लागी टमाटर कैसे काटेंगे ये टमाटर काटने को लागी राम रॉय एकदम ये पतला पतला टमाटर इसी में मोटा मोटा कटिंग कर रहे हैं ये काटेगा मोटा मोटा टमाटर काटने के और अब देखे प्याज कैसे इसी में प्याज भी काटना है प्याज को भी ऐसे करके लेंगे प्याज का सलाद बनाएंगे बढ़िया एकदम ऐसे करके प्याज को लेंगे ये बनाएगा प्याज का सलाद ये प्याज का सलाद बन गया इसी में खीरे का सलाद बनाना है मोटा मोटा इसको निकाल देंगे इसको लगा के चलाएंगे तो पतला पतला काटेगा हटा के चलाएंगे तो मोटा मोटा सलाद बनाने के लिए ये बढ़िया मोटा मोटा सलाद बनाएगा लंबा लंबा सलाद खीरे का सलाद बना दो इसी में पीछे से कद्दूकस वगैरह करना है तो कद्दूकस वगैरह भी कर सकते हो जैसे कोई भी चीज को करना है आपको प्याज का पेस्ट बनाना है ऐसे करके लेंगे सब्जी के लिए किसी भी चीज के लिए प्याज का टमाटर का किसी भी चीज का पेस्ट बनाना है पेस्ट बना लो ये पेस्ट बन जाएगा आपका बढ़िया पेस्ट बनाने के लिए यहीं से कद्दूकस करना है ये मूली के पराठे गोभी के पराठे कोई भी पराठे बनाने हैं ना ये कद्दूकस करने के लिए बढ़िया आइटम है एकदम इसका प्राइस कितना है 690 रुपए का ये 490 रुपए का है बट अगर दोनों मिला के लेंगे तो आपको 40-40 रुपए दोनों में कम हो जाएंगे आपको और एक चीज क्या है वो ये चॉपर है चॉपिंग करने के लिए एकदम बारीक बारीक काटने के लिए कैसे काटेंगे दिखाइए ये देखो काट के दिखा दो भैया आधी प्याज डाल के घुमा के दिखा दो भैया आपको एक बार हाँ 690 रुपए का भाव 690 रुपए घर में लेके जाओगे ना मैडम भूल